स्वामी विवेकानंद एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता को पश्चिमी दुनिया में पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे परिवार में पले पढ़े जो गहरे धार्मिक थे और छोटी उम्र से ही विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं के संपर्क में थे। वह एक मेधावी छात्र थे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। हालांकि उन्हें आध्यात्मिकता में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों और दर्शन का अध्ययन करने में बहुत समय बिताया। 1881 में वह एक संत और रहस्यवादी श्री रामकृष्ण से मिले, जो उनके गुरु और संरक्षक बने। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं और आध्यात्मिक प्रथाओं से गहरे प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को दुनिया में फैलाने का फैसला लिया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया, जहां उन्होंने व्याख्यान की एक श्रृंखला दी जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता के महत्व, सभी धर्मों की एकता और भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार की आवश्यकता की बात की। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। उन्होंने अपना शेष जीवन आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार के अपने संदेश को फैलाते हुए भारत और दुनिया भर में यात्रा करते हुए बिताया। स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत बनी रही और उन्हें भारत में महानतम आध्यात्मिक नेताओं और विचारकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं और दर्शन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उनकी जीवन कथा आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।